2018 में जब मैं कार्यालय का लोकार्पण करने के लिए आया था तो कहा था कि इस कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। आज जब हम इस कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं तो ये भी केवल एक भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। भाजपा के सेवा के संकल्प का विस्तार है। मैं पार्टी के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों को भी सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों की शिखर की यात्रा है। ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। और ये यात्रा, ये विस्तार अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। आपको याद होगा, भारतीय जनसंघ ने दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छोटे से ऑफिस से अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय हम देश के लिए बहुत बड़े सपने देखने वाले छोटी सी पार्टी थे। सपने बड़े थे, दल छोटा था। 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ, तब कुछ समय के लिए 10 राजेंद्र प्रसाद मार्ग पार्टी का ऑफिस बन गया था और उसी जगह पे पहले अपने नानाजी देशमुख रहते थे। बहुत से कार्यकर्ताओं को 11 अशोका रोड पार्टी ऑफिस के रूप में याद होगा। इसके भी काफी समय बाद पार्टी ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हुआ। एक तरह से हमारी पार्टी की प्रगति का प्रतीक है। इस दौरान कितने ही उतार चढ़ाव आए, हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। फिर सन 84 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहौल, एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फियर, और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। लेकिन हम हताश नहीं हुए। हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में हम नहीं पड़े।
हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच, हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। दो लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। आज भारत की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और साथियों, आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोच भी होनी चाहिए, आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए। हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए तीन बातें हर कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, हर भाजपा सदस्य के स्वभाव में होना समय की मांग है, देश की जरूरत है। वो तीन बातें क्या है? एक है अध्ययन, दूसरा है आधुनिकता और तीसरा है विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसात करने की शक्ति। हम आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी जहां कहीं जाते थे, किताबें उनके साथ रहती थी, वो प्रवास में भी पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी रचनाएं, उनके अध्ययन और बौद्धिक विस्तार की गवाह है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपने घर में तो हजारों किताबें थी। भाजपा कार्यालय की नई बिल्डिंग पार्टी की उस परंपरा का एक केंद्र बनेगी और बननी चाहिए। यहां अध्ययन की व्यवस्था भी है, आधुनिकता भी है और विश्व भर का अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा भी है। मुझे विश्वास है भाजपा का ये आधुनिक कार्यालय
निरंतर इन सपनों के लिए, इन संकल्पों के लिए, इस अदम्य इच्छा और उमंग के लिए अविरत प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साथियों, हम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक गर्व की बात है कि हम सब जिस दल में काम कर रहे हैं, जिस दल के आचार, संस्कार और विचार ने हमें गढ़ा है, उस दल की और उसके कार्यकर्ताओं की आज विश्व भर में चर्चा हो रही है। आज बीजेपी की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर होने लगी है। आज भाजपा की तुलना दुनिया की उन ऐतिहासिक पार्टियों से होने लगी है जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने देश का भाग्य बदल दिया था। ये समय बीते 4-5 दशकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या की वजह से आया है। ये समय भाजपा सरकार के विकास के कार्यों की वजह से आया है। बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्व को, भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे ऐसे नेता, वो हमारी भाषा से परिचित नहीं है लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं। वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद भी करते हैं। साथियों, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट सबका साथ सबका विकास के मंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की आबादी में बहुत विविधता है। वहां अलग अलग समुदायों के लोग हैं, आदिवासी और विधायी समुदाय के लोग बहुतायत है। इस क्षेत्र के लोग भाजपा पर अभूतपूर्व विश्वास दिखा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री हैं, 2 अन्य राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकारें हैं। इस सफलता का बड़ा श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के इसी परिश्रम की वजह से आज दक्षिण भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है। कर्नाटका में भाजपा इतने वर्षों से मजबूत स्थिति में है, आज भी हम नंबर 1 पार्टी हैं कर्नाटका में। तेलंगाना में भी लोगों का एकमात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आंध्र प्रदेश में लोगों का भाजपा पर विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तमिलनाडु और केरला में भाजपा हर जिले में, हर बूथ पर दिनों दिन मजबूत हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का ये विस्तार हमें सीटों के मामले में और वोट शेयर के मामले में सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, भाजपा को केवल उसकी प्रेजेंस और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है।
और भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है, बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है। बीजेपी ने सियासत की सोच को बदला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। और इसका एक उदाहरण है भाजपा का सदस्यता अभियान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार। एक समय था जब हम राज्यों में राज्य स्तर की कमेटी बन जाए तो हम सोच रहे थे कि चलिए उस राज्य में झंडा गाड़ दिया। फिर थोड़ा समय और बीता, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, फिर हम हिसाब लगाने लगे कि भाई कितने जिले हैं जहां कमेटी बनी है, कितने जिलों में कमेटी बाकी है, कब पूरा करेंगे। फिर हम एक कदम आगे चले, फिर हम सोचने लगे चलो जिले तो हो गए, बताओ भाई कितने तहसील में कमेटियां बनी हैं, कितने ब्लॉक लेवल पर कमेटियां बनी हैं। फिर शक्ति केंद्र आया, फिर बूथ पर फोकस हुआ और आज हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। भाजपा पहली पार्टी है जिसने पार्टी की व्यवस्था में संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की है संविधान के तहत। भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नए अवसर देने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। हमने पार्टी की समितियों में, कमेटियों में हर बार 25% नए लोगों को लाने की व्यवस्था शुरू की है। हम कार्यकर्ताओं की इसी ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं। लेकिन हम भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो, लेकिन हमारे पांव आज भी उतने ही जमीन पर हैं जितने 1980 में हुआ करते थे। भाजपा में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है जो कष्ट उठाकर, परेशानी झेलकर, कर्तव्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं। हम जहां भी काम करते हैं सामूहिकता की भावना से काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसमें मुक्त चिंतन होता है, नए विचार सृजित होते हैं, नए विचारों का सम्मान होता है। चिंतन और अध्ययन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भाजपा परिवार का विशाल विस्तार है, हिस्सा है, वटवृक्ष की भांति है। भाजपा वो पार्टी है जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए
प्रभावी और क्रियाशील मोर्चे और कमेटियां हैं। भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजिक भूमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभावशाली भी होता है। साथियों, भाजपा की एक और विशेषता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है। भाजपा में समाज की सेवा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को घड़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल भाजपा सांसद अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं करा रहा है। इनके आयोजन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ही निभा रहे हैं। इसमें देश के लाखों युवाओं को भाग लेने का मौका मिल रहा है, हजारों युवाओं को पदक मिल रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं और हमें भी क्षेत्र के सामर्थ्य का परिचय होता है। इसी तरह कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो, समाज के सामने कहीं कोई चुनौती आए या फिर रक्तदान जैसे समाज सेवा से जुड़ा अभियान हो, भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिरी तक मोर्चे पर डटे रहते हैं। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे, कोरोना के दौरान हमारी पार्टी के लोगों ने कैसे घर घर जाकर मुफ्त राशन और इलाज पहुंचाने में मदद की, और तब तो पता नहीं था कि जाएंगे तो क्या लेके आएंगे। अगर बीमारी घर में लाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती थी, फिर भी ये भाजपा का कार्यकर्ता है जो हर घर जाता था। आज भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं का समाज के साथ जो भावात्मक संबंध है, वो आपको किसी और राजनीतिक दल में नजर आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं कह नहीं सकता। साथियों, जब हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का अवसर मिलने पर भी ये हमारी प्राथमिकता होता है। इसलिए ही आज पूरे भारत में भाजपा सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बन रही है और ये भाजपा का ब्रांड ऑफ गवर्नेंस है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण के लिए योजनाएं तेज गति से चलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बनते हैं। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के प्रयास बढ़ने लगते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स भारत के पिछले 75 साल के अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स की कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालिसिस करें, देश और दुनिया के सामने रखें। देश ने लंबे समय तक कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल देखा है, देश ने कम्युनिस्टों का भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मॉडल देखा है, देश ने परिवारवादी फैमिली रन पार्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है।
अलग अलग गठबंधनों की सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देश ने देखा है। और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। एक निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब इसकी एनालिसिस होगी तो गवर्नेंस के मॉडल का महत्व समझ में आएगा। देश के सामान्य मानवी को भी पता चलेगा कि गवर्नेंस के किस मॉडल ने देश को क्या दिया, उसके परिणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बेहतर रास्ता है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बात समझना बहुत आवश्यक है। देश इस समय जिस कालखंड से गुजर रहा है वो तेज विकास के लिए बहुत अहम है। ये अमृतकाल ये सिर्फ शब्द समूह नहीं है, ये धरती की सच्चाई है। 140 करोड़ देशवासियों की दिलों की धड़कन है। आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती हैं। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। आज भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है।
मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा। बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्यवाही से खुश है। आपकी यही जानकारी है ना? मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे।
और हम बचे हैं, हम फले हैं, फूले हैं, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें सामर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। हम यहां से आगे बढ़ेंगे, वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले हैं। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी, अब सत्ता मिल गई, दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है, हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर 2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तब तक, विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। साथियों, मैं आपको
फरवरी 2018 में इसी कार्यालय में कही हुई अपनी एक बात को आज याद दिलाना चाहता हूं। 2018 में इसी भवन का लोकार्पण करते हुए मैंने कहा था कि कार्यालय हमारी कर्मभूमि है, लेकिन भारत की सीमा ही हमारे कार्यों की सीमा है। हमें इस भवन से ऊर्जा लेकर संपूर्ण भारत की सीमा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इसी तपस्या के साथ देश के सपनों को साकार करते रहेंगे। जो सपना हमने पहले देखा था उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं। जो सपना हम आज देख रहे हैं वो भविष्य में पूरा होकर रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज के इस मंगल अवसर पर और नवरात्रि के पावन त्योहारों के बीच मैं आप सबको, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।